हेलो प्यारे बच्चों, आज किस क्लास में आपको पढ़ाऊंगा पोटेंशियल एनर्जी, और इसके साथ जो एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम, ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम। ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम क्या होता है, कैसे डिफाइन होता है, ये सारे कंसेप्ट बच्चों आज हम पढ़ेंगे, और बहुत सारे क्वेश्चन करके आपको ये समझ में आएगा। पोटेंशियल एनर्जी एक इंपॉर्टेंट क्वांटिटी है, और अगले जो चैप्टर का दूसरा पार्ट आने वाला है कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, वहां आपको इसकी बहुत जरूरत पड़ेगी, और इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन भी रहता है, तो वो सारे कंफ्यूजन आज क्लियर करेंगे। ठीक है, शुरुआत करते हैं। पोटेंशियल एनर्जी, बच्चों उम्मीद करता हूं कि आपने इससे पहले सारी वीडियो देख ली होंगी इस टॉपिक की, है ना। अब तक हम इस चैप्टर में वर्क पढ़ चुके हैं, पावर पढ़ चुके हैं, काइनेटिक एनर्जी, वर्क एनर्जी थ्योरम, ठीक है। तो आज पोटेंशियल एनर्जी पढ़ रहे हैं ताकि हम कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी की तरफ बढ़े। देखिए, पोटेंशियल एनर्जी की फीलिंग कब आती है, हमें कब लगता है कि एक सिस्टम के पास पोटेंशियल एनर्जी, ये क्या चीज है। जब भी आप कोई सिस्टम का कॉन्फ़िगरेशन बदलने की कोशिश करो, कॉन्फ़िगरेशन या पोजीशन बदलने की कोशिश करो, जैसे मेरे हाथ में ये चलो पेन है, इस पेन को ऊपर उठाया, ठीक है, और इसे छोड़ दो तो ये वापस आएगा, तो ये अपनी पोजीशन के चेंज होने का अपोज कर रहा है। भाई आपने इसे पेन को ऊपर लेके जा रहे, तो क्या बदल लेते आप, इसका कलर बदल लेते, पोजीशन बदल लेते ना, तो पोजीशन बदल लेते, दैट है ना। तो इस वजह से हमें लगा कि यार वापस आ रहा है ये, ऐसी किसी स्प्रिंग को खींच के छोड़ दो तो वापस भागता है। तो स्प्रिंग का क्या कर रहे थे आप, कॉन्फ़िगरेशन बदल रहे थे ना, पोजीशन तो नहीं बदल, कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं इस केस में, शेप कह सकते हो आप, तो दैट इज कॉल्ड, मतलब अभी कुछ नहीं बोल देंगे, अभी बस हमें देखा कि यार ये तो अपोज कर रहा है स्प्रिंग। ऐसे ही मान लो मेरे पास ये डायरी है, इसको मैंने ऐसे किया, ठीक है, मैंने इसका कॉन्फ़िगरेशन ऐसे हुआ, मैं इसे छोड़ दूं, वापस भाग रहा है नहीं। जैसे कई बार हम होता है किताब खोलते हैं, देखते हैं किताब को खोला, ओ, ये तो मना कर रही है किताब पढ़ने से, तो ऐसी जगह भी देखो, यहां आपने कॉन्फ़िगरेशन चेंज करने की कोशिश करी, कॉन्फ़िगरेशन मतलब शेप, तो ये अपने आप वापस हो गए। तो जहां भी आपको ऐसा लगे कि ऑब्जेक्ट अपने कॉन्फ़िगरेशन के चेंज होने का अपोज कर रहा था, तो ऐसे बच्चों, ऐसी सिचुएशन में बोलते हैं हम कि सिस्टम के पास पोटेंशियल एनर्जी है, ठीक है। और वो पोटेंशियल एनर्जी आई कहां से, आपने इस पेन को यहां से उठाया और छोड़ दिया तो वापस भाग आइए, पहले क्यों नहीं चल रहा था, अभी क्यों चल रहा है, क्योंकि आपने एफर्ट लगाया, आपने उस पर एक वर्क किया, ठीक है, तो वो वर्क ऑब्जेक्ट के अंदर स्टोर हो गया, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो एनर्जी ड्यू टू द पोजिशन और कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इनसाइड द कंजर्वेटिव फील्ड, समझ रहे बच्चों, कंजर्वेटिव फील्ड, ठीक है, इसको बोलते हैं पोटेंशियल। इसलिए आपने कंजर्वेटिव फील्ड क्या बोला, याद करो मैंने आपको कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव फोर्स पिछली क्लास में पढ़ाए थे, नहीं देखे तो आप पिछली प्लेलिस्ट में जाके देखो, ठीक है। कंजर्वेटिव फोर्स मतलब ये पोटेंशियल केवल कंजर्वेटिव फोर्स की वजह से, जैसे आप एक पत्थर को ऊपर फेंकते हो तो वापस आ जाता है ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, लेकिन उसी पत्थर को आप हॉरिजॉन्टली फेंको, जब आपने ऊपर फेंका था तो ग्रेविटेशन फोर्स था mg जो पीछे की तरफ लग रहा था इसलिए उसे वापस ले आया। आप ऐसे ही पत्थर को हॉरिजॉन्टली फेंकोगे तो यहां पर भी एक बैकवर्ड फोर्स लगेगा फ्रिक्शन, आप कहोगे सर इस बार भी वापस आएगा, लेकिन वो नहीं आता, वो वहां जाते 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 क्या होता है बच्चों, रुक जाता है, समझाया। इसका मतलब अब जो फोर्स है वो है नॉन कंजर्वेटिव फ्रिक्शन, तो फ्रिक्शन की वजह से पोटेंशियल एनर्जी नहीं होती, पोटेंशियल एनर्जी होती है कंजर्वेटिव फोर्सेस की वजह से, जैसे कूलम फोर्स, ठीक है, रेस्टोरिंग फोर्स ऑफ स्प्रिंग यानी कि इलास्टिक फोर्स, या ग्रेविटेशनल फोर्स, कूलम फोर्स समझते, दो चार्ज के बीच में जो फोर्स होता है, इनकी वजह से पोटेंशियल एनर्जी होती है। फ्रिक्शन फोर्स, एयर रेजिस्टेंस, जो डिसिपेटेड फोर्स होते हैं जिनसे हीट डिसिपेट करती है, उनकी वजह से पोटेंशियल एनर्जी नहीं होती, क्लियर है। अब पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन कैसे करें, तो आपने देखा कि यार एक ऑब्जेक्ट को हमने ऊपर उठाया, है ना, जैसे ऊपर उठा के छोड़ देते हैं फिर इसके पास ये दौड़ना शुरू करता है, इसके मतलब इसके पास पोटेंशियल एनर्जी आ गई। स्प्रिंग को आपने कंप्रेस किया, ये स्प्रिंग था, आपने इसको कंप्रेस ऐसे कर दिया, इसके पास एनर्जी आ गई, तो वर्क हो रहा है ना, एफर्ट हो रहा है ना, है ना। अच्छा देखो, जब आप इसे ऊपर लेके जाते हो तो ग्रेविटेशन फोर्स एमजी होता है, तो नीचे की तरफ है फोर्स, ऊपर की तरफ है, तो जो पोटेंशियल एनर्जी होगी, पोटेंशियल एनर्जी वर्क से रिलेटेड होगी, ठीक है,
तो पोटेंशियल एनर्जी होती है नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स ठीक है, दैट इज माइनस ऑफ वर्क डन। ठीक है, हमने पोटेंशियल एनर्जी का सिंबल यू ले लिया और ये हो जाएगा बच्चों नेगेटिव ऑफ वर्क डन एफ डॉट डी एक्स ऐसे। और चाहे यहां पे आप कंजर्वेटिव छोटा सा लिख दिया हमने कंजर्वेटिव फोर्स की वजह से। ठीक है, समझ आया बच्चों इस तरीके से। सर ये कंजर्वेटिव फोर्स की वजह से आपने क्यों लिखा इसको पोटेंशियल एनर्जी। एक्चुअल में एक और बात ध्यान देना, ये ना चेंज है, पोटेंशियल एनर्जी की एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं फाइंड कर पाते हम, तो उसका चेंज फाइंड करते हैं। हम एक रेफरेंस लेते हैं जहां पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगी उसके रेस्पेक्ट में लिखते हैं। ठीक है, तो भी आप इस ज्यादा कंफ्यूज मत होना कि रेफरेंस क्या, अभी थोड़ी देर में समझ में आएगा। ठीक है, तो अभी हम ये मान के चल रहे हैं कि पोटेंशियल एनर्जी ऐसे लिखा, एक्चुअल में ये पोटेंशियल एनर्जी ना होकर चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होता है। लेकिन अगर हम ये मान लें कि इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी जीरो है, जैसे ऐसे देखो यू एफ माइनस यू आई इक्वल टू ये आएगा एफ कंजर्वेटिव डॉट डी आर या डी एक्स जो भी। तो इफ यू आई जीरो एज्यूम कर लो तो यू कितना हो जाएगा फाइनल वाला ये माइनस फोर्स ड्यू टू कंजर्वेटिव फोर्स की वजह से डी आर, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, यानी कि अगर कंजर्वेटिव फोर्स पॉजिटिव वर्क करे, ठीक है ये कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क है ना ये पूरा, अगर ये पॉजिटिव वर्क हो तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी नेगेटिव, डिक्रीज करेगी ना, डेल्टा यू नेगेटिव आ जाएगा। तो जब भी किसी सिस्टम से कंजर्वेटिव फोर्स, किसी सिस्टम में कंजर्वेटिव फोर्स पॉजिटिव वर्क करता है तो हमेशा पोटेंशियल एनर्जी गिरती है। जैसे अभी वर्क का तो आपको पता है पॉजिटिव नेगेटिव, एक ऑब्जेक्ट को मैं ऊपर से गिरा दूं तो वर्क डन बाय ग्रेविटी पॉजिटिव होता है, तो उसका मतलब उसकी पोटेंशियल एनर्जी घट रही है। और ये थोड़ा सा आपको याद भी होगा, हाँ भाई एमजीएच होती है ना पोटेंशियल एनर्जी, 9th-10th क्लास में पढ़ा होगा, तो वो रिड्यूस हो रही है। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी रिड्यूस हो रही है और काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये लाइन ज्यादातर क्वेश्चन में पूछी जाती है एग्जाम में कि जब भी कंजर्वेटिव फोर्स वर्क करेगा तो पोटेंशियल एनर्जी हमेशा रिड्यूस होती है। दोबारा बोलूंगा, जब भी कंजर्वेटिव फोर्स पॉजिटिव वर्क करेगा तो पोटेंशियल एनर्जी हमेशा रिड्यूस होगी और काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी क्यों बढ़ती है, क्योंकि सम दोनों एनर्जी का दैट इज कॉल्ड मैकेनिकल एनर्जी, वो कांस्टेंट रहता है। तो अगली क्लास में हम मैकेनिकल एनर्जी समझेंगे वैसे, लेकिन अभी याद रखना है। दूसरा, पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड्स ऑन फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, ये भी काइनेटिक एनर्जी की तरह है ना। दूसरा पॉइंट, ओनली फॉर कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक है, कंजर्वेटिव फोर्स के लिए होता है, ध्यान रखना है, और फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करता है। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, ये तीन चार एनर्जी हम पढ़ेंगे जिनमें से दो आज पढ़ेंगे। ठीक है, तो हमने ये देख लिया भाई पोटेंशियल एनर्जी इज नेगेटिव ऑफ वर्क डन। ठीक है, अब देखो बच्चों पहले हम थोड़ी सी पोटेंशियल एनर्जी समझ लेते हैं, चेंज वगैरह का कंसेप्ट क्या है ये भी देख लेते हैं। तो देखो जैसे हमने क्या काम किया, सबसे पहले ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी लिखेंगे, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, ये हमारा ग्राउंड है, इसी को रेफरेंस लेवल बोला। सर रेफरेंस का मतलब भाई, जब आप किसी ऑब्जेक्ट को जमीन से उठाते हो ऐसे एच हाइट पे लेके जाते हो, आप बोलते हो ग्राउंड से एच हाइट लेके गए, लेकिन वो ग्राउंड है क्या? सर सी लेवल है, हमें क्या पता। जैसे जिस क्लास में पढ़ा रहा हूं ये शायद सेकंड फ्लोर है, ठीक है, ग्राउंड फ्लोर में भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि फ्लोर से उठाए, हाथ से उठाए यहां से एच हाइट। तो ये आपका एक रेफरेंस लेवल हो गया जिसपे आप पोटेंशियल एनर्जी मान रहे हैं कि कुछ भी नहीं है, क्योंकि यहां तो रेस्ट में दिख रहा है आपको, यहां से ऊपर लेके चलते हो तो चलता ही है। तो केवल चेंज को, ये कुछ ऐसा है जैसे आपने थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ा था चेंज इन इंटेंसिटी फाइंड कर सकते हैं, इंटेंसिटी फाइंड करना मुश्किल है, तो बिल्कुल ऐसे हम यहां क्या कर रहे हैं, रेफरेंस चेंज पता कर रहे हैं। ठीक है, तो देखो एक ऑब्जेक्ट को यहां रखते हैं, दिमाग से हमें इसको ऊपर ले गए एच हाइट, ठीक है ऐसे, तो चेंज इन मतलब हमें पता करना है पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी। ठीक है, तो यू फाइनल माइनस यू इनिशियल ऐसे लिखा था ना, है ना, नेगेटिव ऑफ वर्क डन, वर्क डन, और कौन करेगा वर्क डन, बाय ग्रेविटी, है ना, बाय कंजर्वेटिव फोर्स, बाय ग्रेविटी। हमने मान रखा है कि यहां पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो है, ठीक है,
तो ये माइनस जीरो यू फाइनल इक्वल टू माइनस ऑफ वर्क डन बाय ग्रेविटी। बताओ बच्चों, जब ऑब्जेक्ट को ऊपर लेके जाते हैं तो वर्क डन बाय ग्रेविटी क्या होता है? माइनस एम जी एच ना, तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी। ठीक है, समझ आया बच्चों? ये फाइनल पोटेंशियल, ये फाइनल पोटेंशियल एनर्जी है बच्चों, और इसकी वजह हम क्या लिख सकते हैं? यू लिख सकते हैं एम जी एच। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी आ गई एम जी एच। तो अगर ये ऑब्जेक्ट ऊपर गया यहां से तो पोटेंशियल एनर्जी प्लस एम जी एच, अगर ये नीचे आता तो उस केस में काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाती है? वर्क डन क्या होता है? पॉजिटिव। तो यहां माइनस आ जाता। तो मतलब अगर रेफरेंस लेवल से ऊपर जा रहे हो किसी हाइट पे तो पोटेंशियल एनर्जी होती है एम जी एच, और रेफरेंस लेवल से नीचे जाओ तो जब नीचे जाओगे बच्चों तो वर्क डन बाय ग्रेविटी होगा पॉजिटिव ये वाला, और ये माइनस रह जाएगा। तो यहां पे पोटेंशियल एनर्जी अगर मास एम है तो माइनस एम जी एच होगी। ठीक है, ध्यान रखना है, मतलब ऑब्जेक्ट नीचे भी तो जा सकता है। जैसे ये हाथ है मेरा, मैं इससे यहां से नीचे गिरा दूं इसको, तो यहां पे भी तो पोटेंशियल एनर्जी होगी ना, तो वो क्या है? नेगेटिव है, मिनिमम। ठीक है, स्केलर में क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी, तो पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है, और जीरो भी हो सकती है ना, ये बात भी पता लगी। और रेफरेंस लेवल पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो और उससे ऊपर पॉजिटिव, उससे ऊपर नेगेटिव, इसका मतलब तो रेफरेंस लेवल के रेस्पेक्ट में, हाँ इसका मतलब एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं पता होती हमें, हमें क्या पता होती है? रेफरेंस लेवल के रेस्पेक्ट में। तो पोटेंशियल एनर्जी की एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं होती, ये रेफरेंस के रेस्पेक्ट में। ये हमने काइनेटिक एनर्जी में पढ़ा था, एक बस में एक आदमी जा रहा है तो हमने उसकी काइनेटिक एनर्जी लिख दी हाफ एम वी स्क्वायर, वी ले ली बस की स्पीड मान ली हमने, लेकिन जो थोड़ी कि उसकी स्पीड उतनी हो भाई, अर्थ पे है वो, अर्थ घूम रही है, तो जो हमारे फ्रेम के रेस्पेक्ट में लिया हमने, है ना। तो यहां पे भी फ्रेम के रेस्पेक्ट में पोटेंशियल एनर्जी यहां जीरो, और अलग अलग हाइट पे पोटेंशियल एनर्जी अलग होगी। क्लियर है बच्चों? तो देखो, और हमें पता लगा आज से हम समझ लेंगे कि पोटेंशियल एनर्जी रेफरेंस लेवल पर जीरो, रेफरेंस से ऊपर पॉजिटिव, रेफरेंस से नीचे नेगेटिव, और ये रेफरेंस के रेस्पेक्ट में। ठीक, चलो बच्चों, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, दूसरी पोटेंशियल एनर्जी, ये थी ग्रेविटेशनल इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। देखो बच्चों, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, देखो बच्चों, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी रेफरेंस के रेस्पेक्ट में, मतलब यहां जो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी है वो स्प्रिंग के लिए होगी रेफरेंस। यहां पे भी क्या मान लेते हैं कि इनिशियली स्प्रिंग नेचुरल लेंथ में, तो रेफरेंस यही है हमारा। ठीक है, लेंथ एल का स्प्रिंग है, स्प्रिंग के बारे में पढ़ा चुका हूं, बहुत सारे क्वेश्चन करा चुका हूं पिछले चैप्टर्स में, लॉज ऑफ मोशन में, हर जगह। तो फिलहाल हम क्या करने जा रहे हैं बच्चों, हम तो एनर्जी पढ़ने जा रहे हैं, पोटेंशियल एनर्जी। ये नेचुरल लेंथ का स्प्रिंग था, ठीक है, हमने इसको खींचना शुरू किया ऐसे ऐसे, तो हमने इसको एक्स डिस्टेंस खींच दिया ऐसे बाहर की तरफ। जब आप इसे बाहर खींचोगे तो इस पर पीछे की तरफ फोर्स लगेगा ना बच्चों, बोलो F इक्वल टू माइनस के एक्स रहेगा ना, रेस्टोरिंग फोर्स पीछे की तरफ। आप इसे इधर खींच रहे हो, रेस्टोरिंग फोर्स पीछे की तरफ। ये कंजर्वेटिव फोर्स ना हमेशा पोटेंशियल एनर्जी को घटाने की कोशिश करते हैं। अब देखो क्या पढ़ा था, पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव ऑफ वर्क डन, वो पक्की बात है, यहां ऐसे ही लिखा जाएगा यू एफ माइनस यू आई, है ना, यू आई जीरो, तो ये यू ही लिख देंगे फाइनल वैल्यू को, इनिशियली नेचुरल लेंथ में मानने में स्प्रिंग। ठीक है, तो U इक्वल टू माइनस ऑफ वर्क डन, तो माइनस के एक्स डी एक्स। ठीक है, और हम मान लेते हैं कि इनिशियली लेंथ इलोंगेशन जीरो है, जीरो से x, तो U इक्वल टू के एक्स डी एक्स, जीरो टू x। देखो बच्चों, k x का इंटीग्रेशन कितना होगा, एक्स स्क्वायर बाई टू जीरो टू एक्स, कितना आ गया, हाफ के एक्स स्क्वायर। अब देख लो, एक्स चाहे नेगेटिव हो, के तो पॉजिटिव नंबर होता है, स्प्रिंग कांस्टेंट। अब चाहे एक्स पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, पोटेंशियल एनर्जी क्या आएगी, पॉजिटिव नंबर। ठीक है, और अगर मैं इसका ग्राफ बना के दिखाऊं आपको, तो मैंने ग्राफ का कई बार आपको कंसेप्ट सिखाया कि अगर पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में जाएंगे तो यू पॉजिटिव होगा, नेगेटिव में जाएंगे तो नेगेटिव होगा, और पोटेंशियल एनर्जी कुछ ऐसी होगी। ठीक है, स्माइलिंग फेस है ना, वाई प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, वाई इक्वल टू वाई प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर, तो यू इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर। क्लियर बच्चों? अब देखो नेक्स्ट पॉइंट,
और यहाँ एक स्पेशल बात पता लगी यार ये कि पोटेंशियल एनर्जी कभी पॉजिटिव ही रहती है, हमेशा नेगेटिव नहीं होती, लेकिन वो वाली पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव जीरो, जीरो तो ये भी हो सकती है ना। ये दो पोटेंशियल एनर्जी पड़ी। अब ये हमें थोड़ा सा फोर्स और पोटेंशियल एनर्जी में रिलेशन देखना है, और स्टेबल अनस्टेबल न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, ये तीन चीजें पढ़नी है, क्या है ये देखेंगे, ठीक है। चलो ओ देखो बच्चों, जैसे आपने पढ़ा अभी u इक्वल टू माइनस ऑफ एफ डी एक्स, ऐसे लिख सकते थे है ना। आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो, अगर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट हो तो फोर्स स्मॉल नहीं होगा, ठीक है। तो f इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस ऑफ डी यू बाय डी एक्स, मानते बच्चों माइनस ऑफ डी यू बाय डी एक्स। एक बच्चा कहता है सर डी यू बाय डी एक्स तो स्लोप ऑफ यू एक्स ग्राफ होगा, है ना, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी और पोजीशन के बीच में जो ग्राफ होगा उसके नेगेटिव ऑफ स्लोप से आपको फोर्स मिलेगा, है ना, ये बात पता लगी। अगर कहीं पे यू कांस्टेंट हो, है ना, तो फोर्स क्या होगा, जीरो। बच्चों जिस और जिस रीजन में पोटेंशियल एनर्जी कांस्टेंट रहती है इसका मतलब वहां फोर्स काम नहीं कर रहा होता है, ये बात पता लगी, इन बातों को समझेंगे, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी कांस्टेंट है इसका मतलब फोर्स ने अपना एक्ट नहीं किया, ठीक है, उस डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन का ये डिस्प्लेसमेंट है, ये ध्यान देना, यहां एक थोड़ी सी गहरी बात है, देखो बताता हूं। ये एक ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट को मैं यहां से यहां लेके जा रहा हूं, ठीक है, तो एक्स डायरेक्शन में जा रहा हूं ना, और एम जी होता ही है, तो पोटेंशियल एनर्जी जो होती है ग्रेविटी की वजह से वो तो चेंज नहीं होने वाली ना, जीरो ही रहेगी, देख लो कॉन्स्टेंट या जो भी आप कह रहे हो, जीरो कहो या कॉन्स्टेंट, कॉन्स्टेंट है इस हॉरिजॉन्टल लाइन पर, क्या फोर्स नहीं है, है ये रहा एम जी, लेकिन आप मैंने क्या लिखा है कि जब पोटेंशियल एनर्जी कांस्टेंट हो फोर्स जीरो, तो कौन सी डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, क्योंकि ये एक्स कौन सी डायरेक्शन का है, डिस्प्लेसमेंट एक्स में, ठीक है। वाई में जाओगे तो एच बदलेगा, तो पोटेंशियल एनर्जी ऑब्वियसली वेरिएबल होगी, और पोटेंशियल एनर्जी वेरिएबल होगी तब तो फोर्स होगा, ठीक है। तो यहां थोड़ा ध्यान देना है, इस बात का मतलब क्लियर समझना चाहिए, ठीक है। अब देखो, अब बच्चों इसके बाद ये आपने पोटेंशियल एनर्जी लिखी है ना, यू कॉन्स्टेंट कॉन्स्टेंट और एफ इक्वल टू जीरो, यानी कि स्लोप से पता लगेगा। अब जैसे मैं तुम्हें क्वेश्चन दू, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी और एक्स का ग्राफ दू, और मैं कहूं कि भाई ये ग्राफ है, ठीक है, ऐसे कुछ भी मान लेते हैं, और यहां पे कहूं कि बताओ ये तीन पॉइंट है ए बी सी डी ई, ठीक है, हमें बताना है बच्चों फोर्स का साइन बताना है, फोर्स पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ दे रखा है। तो क्या सीखा हमने, एफ क्या होता है बच्चों, नेगेटिव ऑफ स्लोप, है ना। तो देखो ए पे अगर आप स्लोप देखोगे तो स्लोप तो जानते हो ना सब, टेन थीटा होता है भाई, है ना, टेन थीटा, अब इतना तो यार सिखा चुका हूं मैं आप लोगों को। तो ये एंगल देखो, ठीक है, तो यहां ऐसे बना लेते हैं, पहले सीखना है इसको, स्लोप ए पॉइंट पे, ए पॉइंट पे स्लोप क्या होगा, पॉजिटिव, लेकिन जो फोर्स होगा बच्चों नेगेटिव ऑफ दिस वैल्यू होता है, तो इसका मतलब फोर्स नेगेटिव है, ठीक है बच्चों, फोर्स नेगेटिव। अच्छा बी पॉइंट पे देखो, हमें ए बी सी डी पे इन सब पॉइंट पे फोर्स की डायरेक्शन बतानी थी, ठीक है, बी पॉइंट पे स्लोप कितना है, जीरो है, स्लोप जीरो, हाँ पैरेलल लाइन बन रही है, तो फोर्स क्या होगा बच्चों, जब स्लोप जीरो है तो फोर्स भी जीरो, तो यानी कि बी पॉइंट पे कोई फोर्स ही नहीं लग रहा है, ठीक है। अब देखो सी पॉइंट पे, सी पॉइंट पे बच्चों देखो एंगल बन रहा है ना ऐसे, ठीक है, भाई सी पॉइंट पे टेंजेंट बन सकती है, हाँ बन सकती है, ऐसे टेंजेंट तो टच करके जाती है ना, तो एंगल 90 से बड़ा है, और जब थीटा 90 से बड़ा होता है तो स्लोप नेगेटिव, तो ये नेगेटिव, फोर्स क्या हो जाएगा बच्चों, पॉजिटिव, समझ आया। अच्छा डी पॉइंट पे ऐसे देखो, डी पॉइंट पे ये हो जाएगा बच्चों, डी पे भी नेगेटिव है, फोर्स क्या होगा, पॉजिटिव, यानी कि फोर्स पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में, ठीक है। ई पॉइंट पे देखो, ई पॉइंट पे स्लोप जीरो है ना, तो फोर्स भी जीरो,
एफ पॉइंट पे, स्लोप पॉजिटिव है ना, स्लोप पॉजिटिव है तो फोर्स का साइन क्या होगा, नेगेटिव, फोर्स नेगेटिव डायरेक्शन में है ना। तो ये चीजें सीखनी है बच्चों आपको, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी के वैल्यू से नहीं देखना कि वैल्यू पॉजिटिव है नेगेटिव है, स्लोप से चेक करते हैं कि रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी क्या है, ठीक है। तो एक बात समझ में आ रही है कि जो फोर्स होता है ना, अब इन बातों का मतलब भी तो समझो ना। अभी तो मैंने मैथमेटिक्स सिखाया, इसका मतलब क्या है, माइनस ऑफ डी यू बाई डी एक्स। जो ये कंजर्वेटिव फोर्स होता है ना, इट इज ऑलवेज टुवर्ड्स द डिक्रीमेंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, डिक्रीमेंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। मतलब फोर्स की डायरेक्शन हमेशा उधर होती है जिधर पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो रही होती है, समझाए बात। मतलब ये फोर्स हमेशा पोटेंशियल एनर्जी को डिक्रीज करने की कोशिश करता है। देख लो आप स्प्रिंग को आप खींच के छोड़ो तो वापस जाने की कोशिश करता है ताकि पोटेंशियल एनर्जी रिड्यूस करे। पत्थर को आप ऊपर उठाओ ऐसे और छोड़ दो, वापस लेके जाता है। तो ये बात यहां समझ में आ रही, यही हमने यहां से किया है, क्लियर है बच्चों। अब देखो, अब इसी बात का थोड़ा सा, अगर जैसे हमने पढ़ा कि F इक्वल टू, भाई हमने लिखा कि F इक्वल टू माइनस डी यू बाई डी एक्स है ना। ये तो तब है ना जब पोटेंशियल एनर्जी केवल x का फंक्शन हो, कि आप तब पोटेंशियल एनर्जी उस रीजन में थ्री डायमेंशन में वेरी कर रही हो, तब इस फॉर्मूले को कैसे लिखा जाता है। तो इस फॉर्मूले को तब बच्चों ऐसे लिखा जाएगा, इसको लिखते हैं माइनस डेल यू बाई डेल एक्स आई कैप। पिछली क्लास में भी सिखाया था मैंने ये आपको, पार्शियल डेरिवेटिव अगर 3D सिस्टम है, ठीक है, इस तरीके से ये फोर्स आ जाएगा, माइनस को मत भूल जाना, ठीक है। तो जैसे फॉर एग्जांपल यू इक्वल टू दे रखा है 2x, यू दे रखा है बच्चों आपको 2x² y, ठीक है। और आपसे फोर्स पूछा जा रहा है, फाइंड द फोर्स एट P1-1, ठीक है, ऐसे फोर्स पूछा जा रहा है। अब देखो क्या करोगे बच्चों आप, भाई इसका मतलब जेड का तो कोई काम ही नहीं, इस वाले टर्म को तो भूल जाओ, ठीक है। अब हम क्या काम करेंगे बच्चों, पहले डेल यू बाई डेल एक्स करेंगे। तो आपको सिखाया गया था कि जब डेल यू बाई मतलब एक्स के रेस्पेक्ट में करो, इसको पार्शियल डेरिवेटिव बोलते हैं, तो इसका मतलब वाई को कॉन्स्टेंट मानो, ठीक है। तो x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो ये टर्म वेरिएबल है, बाकी सब कांस्टेंट है, तो 2y into 2x यानी कि 4xy, ठीक है। बिल्कुल ऐसे ही डेल u बाय डेल y, y के रेस्पेक्ट में करोगे तो y का 1 हो जाएगा, ये 2x²। तो जो फोर्स आएगा बच्चों, फोर्स हो जाएगा माइनस ऑफ डेल u बाय डेल x, ठीक है। कितना रखेंगे हम इसको, माइनस ऑफ डेल यू बाई डेल एक्स 4xy आई कैप, और ये डेल यू बाई डेल वाई कितना हो जाएगा 2x² जे कैप, ठीक है। और वेक्टर में आएगा तो माइनस ऑफ 4xy, देखना बच्चों x की जगह 1 रखो y की जगह, तो माइनस 4i कैप प्लस x की जगह 1 रखो 2x² 2j कैप, ठीक है। ये फोर्स आ गया, क्लियर है बच्चों। इक्विलिब्रियम, ठीक है, हमने पोटेंशियल एनर्जी समझ ली, टाइप्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी देख ली और फोर्स के साथ उसका लिंक देख लिया। अब टाइम आता है कि हम इक्विलिब्रियम पढ़ें। अब ये इक्विलिब्रियम क्या होता है बच्चों, तो इक्विलिब्रियम हम पढ़ के आए थे कि जब भी कोई सिस्टम, जब भी किसी सिस्टम पे नेट फोर्स जीरो होता है बच्चों, है ना, नेट फोर्स जीरो होता है तो वो कंडीशन कहलाती है कि ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम में, ठीक है। आगे पढ़ेंगे, आगे चलेंगे अगले चैप्टर्स में, तो रोटेटरी इक्विलिब्रियम भी देखेंगे जहां पे टॉर्क जीरो होता है, फिलहाल नेट फोर्स जीरो। तो फोर्स जीरो होना मतलब इक्विलिब्रियम होना। अब इक्विलिब्रियम की कंडीशन कैसी कैसी हो सकती है, तो पहले एक प्रैक्टिकल एग्जांपल से देखते हैं। जैसे मेरे पास ये बुक है, मैंने इसको ऐसे होल्ड किया डायरी, ठीक है, और इसमें एक पेंसिल ऐसे रख दी। तो देखो ये पेंसिल इक्विलिब्रियम में रखी हुई है, अगर मैं इसको यहां से, ये रेस्ट में है भाई, इक्विलिब्रियम है। अब मैं इस पेंसिल को डिस्टर्ब करता हूं थोड़ा सा इसकी मेन पोजीशन से, जहां वो रेस्ट में थी वहां से छोड़ के डिस्प्लेस करके देखा, ये वापस जा रही है। मैंने इसको इधर भी डिस्प्लेस करके देखा, फिर वापस जा रही है। तो ये स्टेबिलिटी है, ये इक्विलिब्रियम स्टेबल हुआ है ना, देख के लग रहा है यार। दूसरा, अगर मान लो मैं ऐसा सरफेस लूं और यहां पेंसिल रखूं, तो रखी जा सकती है ना।
इक्विलिब्रियम है, तो इसे डिस्टर्ब करके देखते हैं। मैंने इसको थोड़ा सा डिस्टर्ब कर दिया, ये यहां से दूर जा रही है, इधर डिस्टर्ब करके देखो फिर यहां से दूर, इस जगह कभी नहीं आ रही वापस, तो ये अनस्टेबल है। ठीक है, साथ में एक केस हो सकता है कि अगर मैं इस पेंसिल को ऐसे रखूं तो इक्विलिब्रियम है, मैंने इसको डिस्प्लेस कर दिया यहां पे भी रुक सकती है, इसको यहां पे रख दिया तो यहां पे भी रुक सकती है, तो ये न्यूट्रल इक्विलिब्रियम हुआ। तो अब इक्विलिब्रियम को कैसे पहचाना जाता है बच्चों? ठीक है, तो बहुत सारे तरीके हैं, हम लिख रहे हैं ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम, ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम। ठीक है, ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम, तो नेट फोर्स जीरो, और बच्चों हम फोर्स पढ़ के आए थे माइनस डी यू बाई डी एक्स, है ना, तो ये डी यू बाई डी एक्स क्या होना चाहिए? जीरो, यानी कि चाहे तो ऐसे समझो चाहे ऐसे समझो। ठीक है, दो बातें हुई, अब यहां समझना है बच्चों। अब देखो, अब जैसे हमने देख लिया कि यार फोर्स जीरो कर सकते हैं और पोटेंशियल एनर्जी, अब तीन तरीके के इक्विलिब्रियम हुए। ठीक है, जैसे पहला स्टेबल, दूसरा अनस्टेबल, तीसरा न्यूट्रल। ठीक है, ऐसे इक्विलिब्रियम माने जा सकते हैं। देखो, स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा जैसे ये एक बाउल है, ठीक है, और ये एक बाउल रखा है, उल्टा रखा है, ठीक है, और ये ग्राउंड है। मैं इसके अंदर बच्चों क्या करता हूं, एक कंचा रख देता हूं, कंचा समझ रहे हो, इस छोटा स्फीयर, एक यहां पे रख के देखता हूं और एक यहां पे रख के देखता हूं। ठीक है बच्चों, इस केस में ये इक्विलिब्रियम, तीनों इक्विलिब्रियम में रेस्ट में रखे जा सकते हैं, लेकिन इसको डिस्टर्ब करके देखो, आपने डिस्टर्ब किया बच्चों, तो जो एक फोर्स है जो इसको वापस ला रहा है, देखो इधर की तरफ, ठीक है, और यहां से डिस्टर्ब किया तो एक फोर्स है जो इसको वापस लाएगा, कौन है वो? ग्रेविटेशनल फोर्स, ये इक्विलिब्रियम है। अगर तुम इसे ऐसे डिस्टर्ब करते हो तो एक फोर्स है, एमजी का एक कंपोनेंट है जो इसको दूर लेके जा रहा है, और जिधर की तरफ, ये इधर। अब थोड़ा ध्यान देना, आप अगर इस डायरेक्शन को पॉजिटिव मानते हो, ठीक है, तो आप पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में जा रहे हो तो फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में, जब आप इधर नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में जा रहे हो तो फोर्स किधर की तरफ है? इधर की तरफ। तो आप पॉजिटिव नेगेटिव एक्स में जा रहे हो तो फोर्स पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में, यानी कि स्टेबिलिटी के लिए चाहिए, यानी कि फोर्स अपनी डायरेक्शन चेंज करे और डायरेक्शन उधर हो जिधर आप जा रहे हो, ऑब्जेक्ट को डिस्प्लेस करो उसका उल्टा लगे फोर्स। ठीक है, कंजर्वेटिव फोर्स। अब देखो, बिल्कुल यही बात यहां पे, समझ रहे हो बच्चों, यही बात यहां पे, इसे डिस्टर्ब कर रहे हो तो फोर्स आप इधर ले जा रहे हो, फोर्स उल्टा है, नहीं है ना, किधर है? इधर। तो इसका मतलब फोर्स अगर आप इसे डिस्टर्ब कर रहे हो तो उधर ही कह रहा है कि चलो भाई उधर ही चलते हैं, है ना। यहां पे देखो, यहां डिस्टर्ब करो इसको, इधर से इधर लेके जाओ तो ये उधर ही चला जाएगा। ये कुछ ऐसे है जैसे क्लास में बच्चे होते हैं ना, एक बच्चा ऐसा होता है उसे कोई भी डिस्ट्रैक्ट करे वो डिस्ट्रैक्ट नहीं होता, जैसे बहुत सारे बच्चे होते हैं, चलो यार क्रिकेट मैच के फ्री टिकट मिले हैं, पास मिले हैं, चलो चलते हैं, तो उस बच्चे को भी जबरदस्ती लेके जा रहे हैं, जैसे वो उन बच्चों से छूटेगा वापस क्लास में, समझ रहे हो, स्टेबल है। और एक बच्चा ऐसा होता है जिसको पता लगा अच्छा पास मिल रहा है, वो कहता है मुझे भी लेके चलो, मुझे भी लेके चलो, ठीक है, वो अनस्टेबल है। और एक बच्चा ऐसा होता है चाहे उसको क्लास में भेज दो चाहे वो मैच में चला जाए, दोनों जगह न्यूट्रल है, क्लास में बैठ के पढ़ सकता है, मैच में चलो मैच में चल देते हैं, क्लास में चलो चलो क्लास में चल देते हैं, तो न्यूट्रल वाला बच्चा है। ठीक है, अब देखो, तीन तरीके के इक्विलिब्रियम, स्टेबल, अनस्टेबल, न्यूट्रल। अब स्टेबल को और कैसे पहचाना जाता है बच्चों? तो यहां पोटेंशियल एनर्जी जो होती है मिनिमम होती है बच्चों, ठीक है, और इसमें मैक्सिमम। बच्चों ज्यादा एनर्जी मतलब अनस्टेबिलिटी, सीधा सीधा रूल है, ठीक है, और इसमें पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? कांस्टेंट, ठीक है, जीरो है तो जीरो ही रहे, जो भी है कांस्टेंट रहे, तो इसका मतलब ये कौन सा इक्विलिब्रियम हुआ? न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। ठीक है बच्चों, यहां ध्यान देना है बच्चों, डी टू यू बाई डी एक्स स्क्वायर, डबल डिफरेंशिएट करना है थोड़ा मैथ से, ये क्या होना चाहिए बच्चों? पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है ना, पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है, तो यहां पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम आएगी। अगर यहां डी टू यू बाय डी एक्स स्क्वायर, यहां की ये क्या आएगा? नेगेटिव, ये चेक किया जा सकता है।
और ये तो कॉन्स्टेंट है, तो डी टू यू बाई डी एक्स स्क्वायर जीरो आएगा, ठीक है, क्योंकि वहां तो डी यू बाई डी एक्स ही जीरो आएगा जो भी है। तो जिस रीजन में पोटेंशियल एनर्जी कॉन्स्टेंट होती है वो क्या होता है, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, ठीक है, समझाया बच्चों। अब हम इस पे बेस्ट क्वेश्चन देखते हैं, चलो पहला क्वेश्चन देखते हैं। जैसे ग्राफ से भी समझ सकते हैं आप क्वेश्चन को, जैसे पहले मैं फोर्स का क्वेश्चन दिखाऊंगा आपको। एफ इक्वल टू दे रखा है, दो क्वेश्चन है, एफ इक्वल टू एक्स माइनस टू, ठीक है, इस केस में बताना है फाइंड द पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम एंड नेचर ऑफ इक्विलिब्रियम, ठीक है, फोर्स एक्स डायरेक्शन में है पर एक्स के साथ ऐसे वेरी कर रहा है, तो आपसे पूछा जा रहा है कि बताओ पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम बताओ और नेचर ऑफ इक्विलिब्रियम। देखो बच्चों, अगर फोर्स जीरो हो जाए तो इक्विलिब्रियम होता है, तो फोर्स जीरो यानी कि एक्स माइनस टू इक्वल टू जीरो, सॉरी जीरो, तो एक्स इक्वल टू टू मीटर पे पोजीशन क्या आ रही है, इक्विलिब्रियम आ रहा है, ठीक है। तो जैसे फॉर एग्जांपल ये एक्स इक्वल टू टू है और यहां कोई ऑब्जेक्ट रखा है तो उस पर यहां फोर्स जीरो होता है, ठीक है। अब चेक करते हैं कि स्टेबल है या अनस्टेबल है। आप एक्स से बड़ी वैल्यू मान लो एक्स इक्वल टू थ्री रख के देखो, इसको डिस्टर्ब कर दिया हमने ऐसे, तो फोर्स की डायरेक्शन देखते हैं। जब आप एक्स इक्वल टू थ्री रखोगे यहां पर, सॉरी यहां पर, तो फोर्स क्या आएगा, पॉजिटिव फोर्स, भाई एक्स माइनस टू है ना, तो एक्स की वैल्यू थ्री रखी माइनस टू आया प्लस वन, जस्ट एक वैल्यू रख के देखिए, कोई भी वैल्यू थोड़ी सी बढ़ा के देखिए ना, भाई एक्स इज ग्रेटर देन टू है ना, तो फोर्स क्या आ रहा है, पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब फोर्स उधर की तरफ है, यानी कि आपने उसको डिस्टर्ब किया और फोर्स उधर उसको लेके जा रहा है, ये तो बदतमीजी है ना, इसका मतलब ये तो अनस्टेबल हो जाएगा, इसको थोड़ा भी यहां पे तो रेस्ट में रहेगा लेकिन थोड़ा भी डिस्टर्ब करेंगे फोर्स को दूर ले जाएगा। चलो इधर चेक करके देख लेते हैं, एक्स लेस देन टू कर देते हैं यानी कि वन करके देखते हैं, अगर आप वन रखते हो ये तो फोर्स नेगेटिव आ जाता है, समझ रहे बच्चों, भाई एक्स की वैल्यू टू से कम करी तो एक्स नेगेटिव आ जाएगा, नहीं, जब वन माइनस टू माइनस वन, नेगेटिव का मतलब फोर्स किधर है, इधर की तरफ, अगर फोर्स इधर है आपने इसको डिस्टर्ब किया इधर, फोर्स उसको एक और डिस्टर्ब करेगा एक्सटर्नल, हम जैसे और कोई फोर्स लगा के, और ये जो फोर्स है ये इसका अपना फोर्स है, कंजर्वेटिव फोर्सेस फील्ड लगा, ठीक है, समझाया बच्चों, ये कोई ऐसा फोर्स है जो फील्ड का लग रहा है, हम जाके इसको डिस्टर्ब कर रहे हैं, हम कोई दूसरे सोर्स है तो हमने इसको डिस्टर्ब करा, भाई साहब ये तो उल्टी डायरेक्शन में भाग पड़ा, ये तो आ ही नहीं रहा उस जगह, तो इसका मतलब ये अनस्टेबल है, ठीक है। दूसरा पार्ट, इसका बी पार्ट, अब की बार क्वेश्चन दिया एफ इक्वल टू माइनस ऑफ एक्स माइनस टू, इस बार फिर पूछ रहा है आपसे इक्विलिब्रियम, तो आपने एफ इक्वल टू जीरो रख के देखा तो एक्स इक्वल टू यहां से भी टू मीटर आ रहा है, अच्छी बात है, लेकिन जब आप एक्स इक्वल टू टू से बड़ी वैल्यू रख रहे हो, ध्यान से देखना, एक्स इक्वल टू टू से बड़ी वैल्यू, तो जैसे यहां थ्री रख दिया तो ये पॉजिटिव नंबर आएगा, ये माइनस, यानी कि अगर आप इसे आगे लेके जा रहे हो तो फोर्स पीछे की तरफ है, यानी कि इसको वापस यहीं धकेल के लाएगा, ठीक है। अच्छा, एक्स लेस देन टू, अगर आप एक्स लेस देन टू तो माइनस इन आ जाएगा ना भाई, जैसे वन रख दिया आपने तो वन माइनस टू माइनस वन, और ये माइनस प्लस हो जाएगा, फोर्स पॉजिटिव तो किधर जाएगा, आगे की तरफ, फोर्स पॉजिटिव होना मतलब आगे की तरफ, तो इसको वापस ले जाएगा, तो इसका मतलब ये स्टेबल इक्विलिब्रियम है, ठीक है। तो इस केस में क्या था, अनस्टेबल, और इसमें स्टेबल, ठीक है बच्चों, तो ऐसे पहचाना जाता है, ठीक, क्लियर है। और जब ऐसा रीजन हो कि जहां फोर्स लगातार जीरो है किसी रीजन में, तो दैट इज न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, ठीक। अब इसी बात को पोटेंशियल एनर्जी के तरीके से समझते हैं, देखो। अच्छा, ऐसा नहीं होता कि पोटेंशियल एनर्जी माइनस में होगी तो इक्विलिब्रियम होगा, पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होनी चाहिए सराउंडिंग के रेस्पेक्ट में, ठीक है, उसके आसपास की पोजिशन के रेस्पेक्ट में, किसी पॉइंट पर अगर पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है और फोर्स जीरो है तो वो स्टेबल होगा। अब जैसे यहां क्वेश्चन किया हमने, एक पहले मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देख लेते हैं, ठीक है बच्चों। अभी हमने देखा था ना कि ये देखो, इसको पहले समझो, जैसे हमने इस बार देखा ये, इसका मतलब नहीं समझ में आया कि डी टू यू बाई डी एक्स स्क्वायर ये कैसे चेक करते हैं। ये बच्चों आपने सुना होगा मैक्सिमम मिनिमम, आपको पिछली क्लासेस में पढ़ाया था जब मोशन 1D 2D चल रहा था तब समझाया था, ठीक है, तो वही है ये। अब देखो कैसे करना है इसका क्वेश्चन, एक क्वेश्चन इसका देखते हैं। जैसे आपको कहा कि पोटेंशियल एनर्जी
पोटेंशियल एनर्जी दे रखी है 4x³ - 12x + 2, ठीक है, ऐसे लिखा हुआ है, समझ रहे बच्चा। हमें बताना है फाइंड द पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम एंड नेचर ऑफ इक्विलिब्रियम, मतलब पोजीशन बतानी है कहां कौन सा इक्विलिब्रियम है और उस जगह उसका नेचर भी बताना है कि कौन सा इक्विलिब्रियम है, कहां है इक्विलिब्रियम और कैसा है, स्टेबल एंड अनस्टेबल। तो देखो बच्चों, हमने पढ़ा है कि भाई फोर्स जीरो होना चाहिए और फोर्स होने का जीरो होने का मतलब du by dx जीरो होना चाहिए, तभी तो इक्विलिब्रियम होगा। तो हम इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं, देखो 12 भाई आप d by dx ऑफ पोटेंशियल एनर्जी 4x² - ऐसे लिख देते हैं, ठीक है, थोड़ा याद रहेगा, थोड़े मैथ्स नहीं है हमारे पास तो थोड़ा सा 4x³ है, सॉरी, है ना। तो ये हो जाएगा देखो 4 3x² 12x² x² - 12 + 0, है ना। तो ये आ गया du by dx इक्वल टू जीरो कर देते हैं, तो कितना 12x² - 12 = 0, तो x² = 1 आ गया, तो x = ±1 आ गया, ठीक है। यानी कि x = +1 और -1 दोनों पे फोर्स जीरो है, यानी कि दोनों इक्विलिब्रियम की पोजीशन है। अब पहचानना ये है कि कौन से पे स्टेबल है कौन से पे अनस्टेबल है, ठीक है। तो देखो बच्चों, जहां पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी, ठीक है, वहां क्या होगा, इक्विलिब्रियम कौन सा अनस्टेबल, जहां पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी, ठीक है। अब देखो, और जहां मिनिमम होगी वहां अनस्टेबल, जहां पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगी वहां स्टेबल, ठीक है, थोड़ा वर्ड गलत बोल गया था शायद मैं। अब देखो, जैसे आपने, अब इसको क्या करना होता है बच्चों, ये du by dx है, देखो कितना du by dx कितना आया था 12x² - 12, यही था ना। हाँ, अब इसको क्या करो बच्चों, डबल डिफरेंशिएट करो, ठीक है, कितना हो जाएगा 24x, 12 का तो जीरो हो जाएगा। अब क्या काम करना है, देखो d2u by dx² at x = 2 वैल्यू है ना, प्लस वन पे रखते हैं, कितना आएगा बच्चों 12 × +1, ये पॉजिटिव आ रहा है, +24, ये वैल्यू पॉजिटिव आने का मतलब, ठीक है, यहां जो इक्विलिब्रियम है x = 1 पे, प्लस वन पे, दैट इज, यानी कि वहां पे पोटेंशियल एनर्जी क्या है, मिनिमम है, तो इसका मतलब ये स्टेबल इक्विलिब्रियम है। देखो पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंशिएशन पॉजिटिव आ रहा है, तो इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी ये स्टेबल इक्विलिब्रियम है। अब यहां देखो d2u by dx² at x = -1, तो 24 ख्याल लिख दिया यार, मिटा देते हैं इसको, 24 × -1 कितना जाएगा -24, ये नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब यहां पे पोटेंशियल एनर्जी क्या है, मैक्सिमम। बच्चों ये पता है ना आपको कि डबल डिफरेंशिएट करके x की वैल्यू रखते हैं तो जहां पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम आएगी, इसका मतलब यहां क्या हो गया, ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो ये मैथमेटिकली हमने ऐसा क्वेश्चन किया, कभी भी आपको पोटेंशियल एनर्जी का ऐसे एक्सप्रेशन दे रखा होगा, ऐसे फोर्स जीरो करना और यहां से अनस्टेबल और स्टेबल ढूंढ सकते हो, ठीक है। जैसे क्वेश्चन करें हम, जैसे ये फोर्स दे रखा है, ठीक है, ये फोर्स है, ठीक है, मैं आपसे कहूं कि देखो बच्चों, ये 3 पॉइंट दिए ए बी और सी, ठीक है, एक्स के साथ ग्राफ है बच्चों, ये एक्स डिस्टेंस पोजीशन के साथ, आपसे पूछूं कि यार इक्विलिब्रियम बताओ कहां कहां है, तो आप कहोगे सर एक तो यहां पे भी है इस पूरे रीजन में, लेकिन मैं इस पॉइंट की बात कर रहा हूं तो यहां पे भी है और यहां पे है और यहां पे। अब मैं पूछ रहा हूं कि आपसे स्टेबल कौन सा है अनस्टेबल कौन सा है, ये तो देखो बच्चों, इसमें तो न्यूट्रल इक्विलिब्रियम है इस पूरे रीजन में, तो ए पे तो न्यूट्रल है, किधर भी जाओ फोर्स जीरो है। इसमें देखो, अगर आप इसमें पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में जा रहे हो
तो फोर्स पॉजिटिव है, देख लो, और नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में जा रहे हो तो फोर्स नेगेटिव है। तो इसका मतलब अगर आप पार्टिकल को थोड़ा सा डिस्प्लेस करते हो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में तो फोर्स उधर ही लगता है और उसको डिस्प्लेस कर देगा, आने ही नहीं देगा, तो ये कौन है? अनस्टेबल, ठीक है। और ये इससे आप पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में, फोर्स नेगेटिव हो गया, देखो नीचे की तरफ तो नेगेटिव ऊपर पॉजिटिव, तो फोर्स नेगेटिव हो गया, इसका मतलब समझ रहे बच्चों, इसका मतलब फोर्स नेगेटिव हो गया तो इसका मतलब वापस लेके जाएगा उसको, और इधर जा रहे हो तो फोर्स पॉजिटिव है, तो इसका मतलब जब नेगेटिव है इस पॉइंट से इधर जा रहे हो तो नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में तो फोर्स पॉजिटिव है, और जब इससे इधर जा रहे हो तो फोर्स नेगेटिव है, इसका मतलब ये स्टेबल है, ये स्टेबल इक्विलिब्रियम है, ठीक है, समझ आ गई बात बच्चों। अब देखो मतलब जिस पॉइंट पे देख रहे होते हैं ना उसी को रेफरेंस मान लेते हैं, फिर उसी को मेन पोजीशन, उसी से पॉजिटिव नेगेटिव डायरेक्शन देखते हैं। अब जैसे इसी बात को हम थोड़ा और पोटेंशियल एनर्जी के ग्राफ से देखते हैं, जैसे पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ दे रखा है, ये एक्स और ये यू, कुछ ठीक है ऐसे ग्राफ दे रखा है मान लो, ठीक है। देखो बच्चों तीन पॉइंट ले लिए हमने यहां पे, ए बी और ये सी। अब देख के भी पता लग रहा है कि ये सर यहां पे पोटेंशियल एनर्जी कांस्टेंट है तो स्टेबल है, यहां पे मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी है लेकिन स्लोप जीरो है। देखो भाई स्लोप देखते हैं ना, तो यहां पे भी स्लोप जीरो है, यहां पे भी स्लोप जीरो है, यानी कि यहां फोर्स जीरो है यहां पे भी, और यहां पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है तो ये स्टेबल है। लेकिन फिर भी अगर मान लो इसको फोर्स के अकॉर्डिंग देखा जाए तो इसका फोर्स का ग्राफ कुछ ऐसा होना चाहिए कि फोर्स, अब देखो इस रीजन में स्लोप पॉजिटिव तो फोर्स नेगेटिव, तो ये फोर्स ऐसे, ठीक है कुछ ऐसे, और यहां पे इसके कॉरेस्पॉन्डिंग कुछ ऐसे। तो देखो ए यहां है तो न्यूट्रल, अब आपको ग्राफ बनाना नहीं है, जस्ट मैंने तो इमेजिन करा कि भाई यहां पे स्लोप जीरो है, यहां पे भी स्लोप जीरो है, यहां पे यानी कि फोर्स जीरो होना चाहिए। तो देखो यहां पे अगर आगे जा रहे हो तो फोर्स इस डायरेक्शन में इस तरफ चलते हो तो फोर्स भी पॉजिटिव है ना, देखना ऊपर की तरफ फोर्स पॉजिटिव है नहीं, तो इसका मतलब ये तो डिस्टर्ब कर रहा है इसको, और इधर जाते हो तो फोर्स नेगेटिव यानी कि ये स्टेबल, और यहां आप इधर जा रहे हो तो सॉरी अनस्टेबल, ये तो दूर ले जा रहा है ना, और यहां अगर इस डायरेक्शन में जा रहे हो बच्चों तो फोर्स क्या हो रहा है? नेगेटिव, इसका मतलब फोर्स पीछे की तरफ है, और इससे इधर जा रहे हो तो फोर्स क्या हो रहा है? पॉजिटिव, इसका मतलब इस डायरेक्शन में, ठीक है, तो यानी कि ये स्टेबल कंडीशन है, समझ आया। तो इस तरीके से आप पोटेंशियल एनर्जी और स्टेबल अनस्टेबल न्यूट्रल इक्विलिब्रियम का आपने कंसेप्ट समझा। बच्चों क्या होता है, आपको बहुत सारे डाउट रहते हैं भाई, एग्जाम आने वाला है तो बहुत सारे सीबीएसई के डाउट होंगे, एनसीईआरटी से रिलेटेड डाउट होंगे, सब्जेक्टिव डाउट होंगे या ऑब्जेक्टिव डाउट होंगे। तो कितना बढ़िया हो कि अगर हमारे पास कोई ऐसा ऐप हो, कोई ऐसी फीचर हो जिसमें हम कोई भी क्वेश्चन का डाउट पूछ ले, ठीक है। तो अनअकैडमी जो इंडिया का नंबर वन प्लेटफॉर्म है बच्चों, उसके पास एक उसमें यहां एक फीचर है जिसमें आप क्या कर सकते हो, कोई भी आपकी क्वेरी है, कोई भी क्वेश्चन है आपका, तो आप उसमें पूछ सकते हो। कैसे? देखो जैसे बच्चों आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले अनअकैडमी का जो लर्निंग ऐप है उसको डाउनलोड करना है, रजिस्टर करना है, ओटीपी आएगा, रजिस्टर हो जाएगा, ठीक है। रजिस्टर करने के बाद आपको पर्टिकुलर आस्क अ डाउट इस ग्रुप ऑप्शन में जाना है, इसको टैप करना है, और यहां ऑप्शन मिलेगा आपको कि क्वेश्चन अपलोड करना है फाइल से या फोटो लेना है, आप उसे फोटो लो या अपलोड करो, और उसको क्रॉप करके बच्चों एक बार में एक क्वेश्चन होना चाहिए और आप उसे भेज दो, ठीक है। विद इन मिनट आपको आंसर मिल जाएगा, और एन नंबर ऑफ क्वेश्चन आप पूछ सकते हो, कोई इसमें कोई भी ऐसा नहीं है कि एक क्वेश्चन पूछा दो, कोई लिमिट नहीं है, कितने भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अगर कोई क्वेश्चन बाय द वे नया है तो वो आपको थोड़ी देर में आंसर मिल सकता है, लेकिन मिल जाएगा, ठीक है। और ये फ्री है बिल्कुल, चाहे आप स्पेशल के स्टूडेंट हैं, जिसके पास भी अनअकैडमी का लर्निंग ऐप है वो इसको इस्तेमाल कर सकता है, ठीक है। बढ़िया फीचर है बच्चों, जनरली डाउट कब आते हैं, जब हम रात को बैठ के पढ़ रहे होते हैं, जब टीचर अवेलेबल नहीं होता, डाउट क्लियरिंग क्लास भी हो जाती है लेकिन बाद में डाउट आते हैं क्योंकि हम अधिकतर पीछे चल रहे होते हैं सिलेबस में। तो अगर ऐसा आपको प्रॉब्लम है तो ये आपको बहुत हेल्प करने वाला है ये फीचर, ठीक है। तो ध्यान देना है बच्चों, तो आप इसे इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। और मेरा बच्चों अनअकैडमी का जो रेफरल कोड है वो है उज्ज्वल K10। अगर आप अनअकैडमी के प्लस सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो इस पर आपको 10% डिस्काउंट मिलता है बच्चों, ये मेरा रेफरल कोड है, ठीक है। और अनअकैडमी पे हमारे प्लस के कोर्स चल रहे हैं, 12th के 11th के, तो जहां बिल्कुल बेसिक तरीके से पढ़ाता हूं मैं और बिल्कुल डिटेल में पढ़ते हैं हम, डाउट क्लियरिंग क्लासेस होती हैं,
तो आप जा सकते हैं, ठीक है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे रखा है। समझा बच्चों? तो देखो, आज हमने जो बच्चों पढ़ा, आज की क्लास में मैंने आपको जो बताया वो था पोटेंशियल एनर्जी। आज की क्लास का कंटेंट पोटेंशियल एनर्जी, इक्विलिब्रियम, फोर्स कैसे रिलेट करते हैं पोटेंशियल एनर्जी के साथ, और कितने टाइप की पोटेंशियल एनर्जी होती है। अगली क्लास में बच्चों हम कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी को पढ़ेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। तो बाय बच्चों, तब तक।